तो हमको जो पढ़ना है वो क्या, न्यू ड्रग डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल ट्रायल। न्यू ड्रग डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल ट्रायल के बारे में हमको पढ़ना है। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले ड्रग स्क्रीनिंग होती है। सबसे पहले क्या होता है ड्रग स्क्रीनिंग, कि ड्रग को किस जगह जा करके कौन सी स्पेसिफिक प्रोटीन से बाइंड करना है, तो उस स्पेसिफिक प्रोटीन से बाइंडिंग एफिनिटी, फिर उस ड्रग का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर क्या है उसकी एनालिसिस, जिसमें आप क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐसी तमाम टेक्निक्स का यूज करते हैं। इसमें नियर अबाउट हम जो सैंपल साइज लेते हैं 1000 के आसपास। फिर आता है कौन सा फेज, प्री क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल रिसर्च। प्री क्लिनिकल रिसर्च या तो इन विवो होता है या तो इन विट्रो, इन विवो एंड इन विट्रो। इन विट्रो कहने का मतलब क्या, लिविंग बॉडी के बाहर। इन विवो कहने का मतलब क्या, लिविंग बॉडी के अंदर। तो इन विट्रो प्रीक्लिनिकल रिसर्च में क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक दवा है जिसमें कि हम देखना चाह रहे हैं कि ये स्पेसिफिक मेडिसिन इंसुलिन के सिक्रीशन को इनहेंस करेगी या नहीं करेगी। हमको ये एक मेडिसिन है ए, हम ये जज करना चाह रहे हैं कि ये स्पेसिफिक मेडिसिन एंटी डायबिटिक है या नहीं, इंसुलिन सिक्रीशन पे इफेक्ट डालेगी या नहीं डालेगी। तो हम क्या करेंगे, ह्यूमन बॉडी में मौजूद जो बीटा सेल्स हैं जो कि इंसुलिन सिक्रीट करती हैं, उनका एक तैयार कर देंगे क्या, कल्चर, सेल लाइन कल्चर, और उस पे उस ड्रग की स्टडी को किया जाएगा लैब के अंदर। उसे हम क्या कहेंगे, इन विट्रो प्रीक्लिनिकल स्टडी, इन विट्रो प्रीक्लिनिकल स्टडी। तो पता चला, हो सकता है कि जब हम लैब में इन विट्रो स्टडी करें तो हो सकता है वो दवा इंसुलिन सिक्रेटिंग सेल्स पे इफेक्टिव हो लैब के अंदर, लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर वो लैब के अंदर इन विट्रो स्टडी में सक्सेस है तो वो इन विवो स्टडी में भी सक्सेस हो, ऐसी कोई जरूरी नहीं। तो प्री क्लिनिकल रिसर्च में दो चीजें इन्वॉल्व करते हैं हम, इन विट्रो ट्रायल एंड इन विवो ट्रायल। इन विवो ट्रायल लिविंग बॉडी के अंदर, इन विट्रो ट्रायल लिविंग बॉडी के बाहर। इन विट्रो ट्रायल में हम ये जज करते हैं, इस बात की स्टडी करते हैं कि मान लिया हमारी कोई दवा ए है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसके अंदर एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ह्यूमन बीटा सेल्स को आइसोलेट कर देंगे लिविंग बॉडी से, उसका एक हम डालेंगे क्या, कल्चर। उस कल्चर के ऊपर उस ड्रग की एफिकेसी को जज करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, इससे हमें एक लमसम आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये दवा इफेक्टिव है या नहीं। अगर वो इफेक्टिव है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो लिविंग बॉडी के अंदर भी उतनी इफेक्टिव हो। दूसरा क्या है, इन विवो प्रीक्लिनिकल रिसर्च। इन विवो प्रीक्लिनिकल ट्रायल में हम क्या करते हैं कि उस ड्रग को अप्लाई करते हैं ऑन एनिमल मॉडल्स, वेरियस एनिमल मॉडल्स सच एज रैट, माइस, गिनी पिग, उन पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि उस ड्रग की टॉक्सिकोलॉजिकल हिस्ट्री करते हैं। उस ड्रग का टॉक्सिकोलॉजिकल हिस्ट्री, कि ये ड्रग अगर इन एनिमल्स को दी जा रही है तो किस डोज में वो उनको खत्म कर दे रही है, या उसके क्या क्या शॉर्ट टर्म
टॉक्सिक इफेक्ट आ रहे हैं। इसमें हम एक फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल भी तैयार हो जाता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये प्रोफाइल ऑन वेरियस एनिमल मॉडल। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल से हमको एक डाटा मिल जाता है कि ये स्पेसिफिक दवा इस डोज में एनिमल्स के लिए टॉक्सिक। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्लिनिकल ट्रायल। बीच में एक स्टेप होता है आईएनडी एप्लीकेशन। अब प्री क्लिनिकल रिसर्च में हमको जो टाइम लगता है नियर अबाउट 18 मंथ, एक से लेकर के ये मान चलिए 1 to 3 years, 1 to 3 years का समय लगता है इन प्री क्लिनिकल ट्रायल में। हमारा जो समय लगता है कितना, अबाउट 3 years। फिर है आईएनडी एप्लीकेशन। आईएनडी एप्लीकेशन मतलब क्या, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ये हम फाइल करते हैं। उसमें हम देते हैं कि प्री क्लिनिकल ट्रायल किया हमने, तो हमारे पास ये डाटा ऑब्टेंड हुआ, ये इस ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। उसके बाद एफडीए हमको क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूवल देता है कि हाँ आप इस डाटा, जो आपने डाटा दिया है उस डाटा को हमने चेक किया, इस डाटा के बिहाफ पे अब आप फर्दर क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर सकते हैं। अब क्या होगा, अब हम चलते हैं अपने मेन स्टेप पे, क्लिनिकल ट्रायल फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4 या पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस। फेज 1 शुरू करने के पहले बहुत बार हम एक फेज 0 फेज भी आता है, फेज 0। फेज 0 में हम क्या करते हैं, फेज 0 में हम स्मॉल नंबर ऑफ पॉपुलेशन को लेते हैं, अबाउट 10 से 15 लोगों, 10 से 15 स्वस्थ लोगों पे उस दवा को दे के देखा जाता है एक बहुत ही मिनिमम डोज में कि कहीं कोई इसका भयंकर साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। आप बताएंगे कि जनरली जो फेज होती है कितनी, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। फेज 4 इज आल्सो नोन एज पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस। लेकिन उसके पहले आईएनडी एप्लीकेशन के बाद एक फेज 0 फेज भी होता है कहीं कहीं। फेज 0 फेज में हम 10 से 15% पे हेल्दी वॉलंटियर उस ड्रग की माइन्यूट डोज, बहुत ही मिनिमम डोज डालते हैं और देखते हैं कि उसका कोई शॉर्ट टर्म टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं आ जा रहा है। फिर हम चलते हैं फेज 1। अब जो फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल है, इस पूरे के पूरे ट्रायल में नियर अबाउट 2 से लेकर के 10 साल का समय लग जाता है। एक हम एवरेज मान के चले तो 5 साल, एक एवरेज मान के चले तो फेज 1, फेज 2, फेज 3 में हमारे 5 ईयर कंज्यूम होते, रेंज उसकी है 2 से लेकर के 10 साल लग जाता है। अब इसके पहले हमको देखना होगा कि प्री क्लिनिकल इवेल्युएशन फेज या एनिमल स्टडी में हम क्या क्या देखते हैं। वेरियस फार्माकोकाइनेटिक स्टडी, इसके अलावा टॉक्सिसिटी प्रोफाइल और क्या, थेरेप्यूटिक इंडेक्स के बारे में। थेरेप्यूटिक इंडेक्स का मतलब क्या, कि ये स्पेसिफिक दवा इस डोज में सेफ है, इफेक्टिव है और इस स्पेसिफिक डोज में वो टॉक्सिक बिहेवियर शो कर रही है। तो प्री क्लिनिकल स्टडी से हमें ड्रग का एक फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल मिल जाता है, उसका टॉक्सिसिटी प्रोफाइल मिल जाता है ऑन एनिमल, और थेरेप्यूटिक इंडेक्स के बारे में एक डाटा मिल जाता है ऑन एनिमल स्टडी। फिर क्या आपका फेज 1, 2, 3 एंड 4, इसके पहले मैंने आपको क्या बताया, एक होता है क्या फेज 0 स्टडी। फेज 0 स्टडी में क्या करते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन को लेते हैं, 10 से 15 लोगों को, और उसको ड्रग की बहुत ही माइन्यूट डोज दी जाती है।
ये फेज जीरो ट्रायल क्यों होता है? फेज जीरो ट्रायल इसलिए होता है कि उस ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल ऑन ह्यूमन, इसके पहले जो हमने फार्माकोकाइनेटिक स्टडी किया वो किस पे किया? ऑन एनिमल मॉडल। ये जो फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक स्टडी कर रहे हैं किस पे? ह्यूमन मॉडल पे, और स्मॉल पॉपुलेशन 10 से 15%। फिर आपका आता है फेज वन। फेज वन जब भी हम करते हैं तो इसमें जो समय लगता है वो कितना? 6 से लेकर के 12 महीने का। और इसमें हम 20 से 25 हेल्दी वॉलंटियर्स लेते हैं। 20 से 25 हेल्दी वॉलंटियर्स को लिया जाता है फेज वन में। और इसमें जो ड्यूरेशन लगता है वो कितना? 6 से 12 महीने का लगता है। फेज वन में हम क्या क्या जज करते हैं? पहली चीज तो ये कि कहीं उस दवा का कोई शॉर्ट टर्म टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं है, उस ड्रग का कोई शॉर्ट टर्म टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं है, यही जज करना होता है। और क्या देखना होता है? मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज। फेज वन स्टडी में हम डोज को बढ़ाते जाते हैं और वो हम मैक्सिमम डोज को सेट करते हैं जब तक कि कोई साइड इफेक्ट क्रिएट ना हो रहा हो। मतलब दवा की वह मैक्सिमम डोज जिसपे कि कोई सीरियस साइड इफेक्ट प्रोड्यूस ना हो रहा हो, हम उस डोज को मालूम करते हैं इन फेज वन स्टडी, जिसे हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज। अब फेज वन के दो टाइप हैं, एसएडी एंड एमएडी। एसएडी मतलब क्या? सिंगल असेंडिंग डोज स्टडी, और दूसरा मल्टीपल असेंडिंग डोज स्टडी। फिर नेक्स्ट आपका आता है अब सिंगल असेंडिंग डोज स्टडी और मल्टीपल असेंडिंग डोज स्टडी में क्या है? सिंगल असेंडिंग डोज स्टडी करने का मतलब क्या? स्मॉल ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट या पर्सन गिवन सिंगल डोज ऑफ ड्रग एंड ऑब्जर्व फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक सिंगल डोज आपने कई लोगों को जो उसमें 25 से 50 लोग इन्वॉल्व थे उनको आपने दे दिया। मल्टीपल असेंडिंग डोज में क्या है? ए ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट रिसीव मल्टीपल लो डोज ऑफ द ड्रग, उसमें क्या? मल्टीपल डोज देते हैं। अब इसमें और मल्टीपल असेंडिंग डोज में क्या? मल्टीपल लो डोज ऑफ ड्रग दिया जाता है। एनालिसिस क्या करते हैं? हाउ द ड्रग इज प्रोसेस विद इन द बॉडी, कि ड्रग किस तरीके से आपकी बॉडी में आगे प्रोसीड कर रही है। तो फेज वन स्टडी करने का मेन मकसद ये होता है, सबसे पहला क्या? ये इस बात का पता लगाना कि उस ड्रग का कोई शॉर्ट टर्म टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं है, और दूसरा मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज को पता करना कि हम उस दवा की कितनी मैक्सिमम डोज लें जिससे कि कोई सीरियस साइड इफेक्ट प्रोड्यूस ना हो। इसमें हमने क्या बताया आपको? एसएडी एंड एमएडी। एसएडी में हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन को एक सिंगल डोज देते हैं। एमएडी में क्या? पूरी की पूरी पॉपुलेशन को हम मल्टीपल स्मॉल डोज दिया जाता है। कितना पॉपुलेशन साइज होता है? 25 से 50 सैंपल साइज। कितना? 25 से 50। फेज वन स्टडी या फेज वन ट्रायल का ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टॉलरेबिलिटी एंड सेफ्टी पता करना, ये दवा कितनी डोज तक टॉलरेट कर रही है, उस दवा की सेफ्टी क्या है, उस ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर
फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल क्या है ऑन ह्यूमन और फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल क्या है ऑन ह्यूमन। फेज वन स्टडी में जो हम सब्जेक्ट लेते हैं, मतलब जो ह्यूमन बींग हम लेंगे, हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर, नॉन, उनको कोई बीमारी ना रहे। इसके अलावा अगर हम साइटोटॉक्सिक ड्रग या एंटी रिट्रोवायरल ड्रग पे रिसर्च कर रहे हैं या ऑन्कोलॉजी रिसर्च हो रही है, तो उस पे हम फेज वन में हेल्दी वॉलंटियर्स को ना लेकर के किनको लेते हैं, पेशेंट वॉलंटियर्स को लेते हैं। मतलब आप कहेंगे कि नॉर्मली फेज वन स्टडी में हम हेल्दी वॉलंटियर्स को लेते हैं, लेकिन अगर रिसर्च ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड है, कैंसर की ड्रग पर रिसर्च चल रही है या एड्स की रिसर्च, एड्स की ड्रग पर रिसर्च चल रही है, तो ऐसे केसेज में हम फेज वन स्टडी में किनको रखते हैं, पेशेंट्स को रखते हैं। फेज वन रीजन फॉर यूजिंग हेल्दी वॉलंटियर्स, ऐसा क्या रीजन है कि हम फेज वन में हेल्दी वॉलंटियर्स को लेते हैं। क्योंकि हमें क्या पता करना होता है, ड्रग की सेफ्टी, और हेल्दी वॉलंटियर्स पे पोटेंशियल रिस्क, जो घातक दुष्परिणाम है, क्योंकि वो हेल्दी है तो उस पे पोटेंशियल रिस्क आर कंसीडर्ड टू रिड्यूस, घातक दुष्परिणाम आने के चांसेस हेल्दी वॉलंटियर से थोड़ा कम है कंपैरिजन टू पेशेंट। तो फेज वन ट्रायल से हमको एक आइडिया ये लग जाएगा कि मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज क्या है उस ड्रग की, और उस दवा का कोई शॉर्ट टर्म टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं है, और उस दवा का फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल और उस दवा को फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल ऑन ह्यूमन बींग्स, ये हमको मालूम हो जाएगा फेज वन स्टडी से। फिर हम चलते हैं फेज टू स्टडी। फेज टू स्टडी में हम हेल्दी वॉलंटियर्स के बजाय क्या लेते हैं, पेशेंट्स, पेशेंट्स को लिया जाता है। सैंपल साइज कितना होता है, 20 से 30 सब्जेक्ट, मतलब जिन लोगों पे उस ड्रग का ट्रायल किया जा रहा है उनका साइज कितना हो जाएगा, 20 से 300। ये मान के लिए कि पेज जीरो में 0 to 15, पेज फर्स्ट में 25 से 50, और फेज सेकंड में 50 से लेकर के 300 के आसपास। ठीक है, सब्जेक्ट का नंबर हमने बढ़ा दिया। इसमें हम क्या यूज करेंगे, पेशेंट। इसमें टाइम कितना लग सकता है, 6 महीने से लेकर के कई साल तक लग सकते हैं फेज सेकंड ट्रायल। इसमें हम ये देखते हैं कि वो स्पेसिफिक दवा, अब क्योंकि हमने फेज फर्स्ट में पेशेंट को तो लिया नहीं था, फेज सेकंड में हम पेशेंट को ले रहे हैं जिस बीमारी पे हम इलाज ढूंढना चाह रहे हैं, उस बीमारी से ग्रसित मरीज को हम फेज सेकंड में रखते हैं और हम उस दवा को देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो मेडिसिन उन बीमार लोगों पे इफेक्टिव है या नहीं। तो फेज सेकंड का मेन मोटिव ये होता है टू आइडेंटिफाई द इफिकेसी ऑफ ड्रग ऑन पेशेंट। इसमें 6 महीने से लेकर के कई सालों तक का समय लग सकता है। इसके अलावा क्योंकि इसमें टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो कई लॉन्ग टर्म टॉक्सिक इफेक्ट भी इसमें हम इवेलुएट कर लेते हैं। हो सकता हो दवा को लेने पे कोई शॉर्ट टर्म टॉक्सिक इफेक्ट ना रहा हो, लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल करने पे कोई लॉन्ग टर्म टॉक्सिक इफेक्ट आए, तो उसकी जाँच पड़ताल फेज सेकेंड में हो जाती है। इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।